और ये लोग सपना देख रहे हैं कि तीन तीन महीने का इस देश में प्रधानमंत्री का कार्यकाल होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देश की महान जनता फिर से नरेंद्र मोदी जी को 2024 में अपार बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बनाएगी। 24 और 29 को अमित शाह और जेपी नड्डा जी आने की उनका बड़ा कार्यक्रम। देखिए हमारे यहाँ महासंपर्क अभियान का कार्यक्रम चल रहा है, अभी भी माननीय मंत्री जी हमारे साथ बैठे हैं, उत्तर प्रदेश से चलकर बिहार में कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और पूरे बिहार में लगभग 7-8 जगह पर क्लस्टर बनाकर हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको घर में नहीं मिलेगा, सब 44 डिग्री सेल्सियस में गांव में मिल रहे हैं। और हम बता रहे हैं कि 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत की कल्पना जो नरेंद्र मोदी जी ने देखा था, भाजपा ने देखा था, देश ने देखा था, उसको जमीन पर कैसे उतारा गया है। सारे सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में लगभग 50 करोड़ लोगों को सीधा आयुष्मान भारत से जोड़ा गया, 4 करोड़ महिलाओं को सीधा पक्का मकान से जोड़ा गया, उनको पक्का मकान उपलब्ध कराया गया, लाखपति बनाया गया, और 80 करोड़ लोगों को सीधा अनाज उनके घर तक पहुंचाने का काम किया, और कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। लेकिन कोई एक व्यक्ति अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है जो ये कहे कि मोदी जी का कोई ना कोई कार्यक्रम उसके घर तक नहीं पहुँचा, चाहे वो वैक्सीन हो। जब दुनिया ने किसी ने वैक्सीन नहीं दिया तो भारत ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक एक व्यक्ति को देश में वैक्सीन पहुंचाने का काम किया। 23 तारीख को जो 23 जून को विपक्षी दल की जो बैठक है, क्या लग रहा है उस बैठक सफल हो पाएगा? देखिए बैठक करने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन जिस आपातकाल की चर्चा भी नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया वो स्पष्ट है। लोकतंत्र का हत्यारा कौन था? लोकतंत्र की हत्या करने वाला कांग्रेस के गोद में महागठबंधन के लोग बैठे हैं। जब तक राहुल गांधी ने ये नहीं सुना कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, तब तक वो बिहार आने के लिए सहमति नहीं दिए। लेकिन हमको दुख है, बिहार के लोगों को दुख है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू इसलिए एनडीए छोड़कर गए थे कि उनको सपना दिखाया गया था कि हम आपको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन बिहारियों को यह कष्ट हो रहा है, अब सपना भी नहीं देख सकते हैं क्या ये महागठबंधन में। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।